मंसूर जिले का छात्र सचिन यूक्रेन में फंसा है। परेशान परिवार ने सचिन से वीडियो कॉल के जरिए बात की है, जिसमें सचिन ने उसके ठीक होने की बात कही है। बेटे को लेकर चिंतित पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। रूस यूक्रेन वार के चलते यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों की देश वापसी लगातार चिंता का विषय बन रही है। लगातार अलग अलग हिस्सों से भारतीयों की मदद की आवाज आ रही है। मध्य प्रदेश के भी कई नागरिक व खास तौर पर छात्र छात्रा अभी भी यूक्रेन में होने से परिवारों की चिंताएं बढ़ रही हैं। जिले के भगोर गांव निवासी सचिन के पिता देवीलाल प्रजापति ने बताया कि बेटा सचिन 13 मार्च 2021 को यूक्रेन MBBS की डिग्री करने गया था। सचिन यूक्रेन के डीन प्रॉन मेडिकल अकेडमी में 6 वर्षीय MBBS कोर्स कर रहा है। सचिन के पिता ने बताया कि वार के चलते बिगड़ते हालातों के बीच में बेटे को वापस भारत बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सामान्य हालातों को हवाला देते हुए वापस आने की अनुमति नहीं दी। पिता ने बेटे को वापस भारत बुलाने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। इधर मंदसौर जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 5 छात्र अब तक यूक्रेन से लौटे हैं। सभी छात्र MBBS की पढ़ाई करने हेतु यूक्रेन गए हुए थे। वार के हालातों को देखते हुए यह छात्र समय रहते यूक्रेन से देश लौट आए, लेकिन एक छात्र सचिन प्रजापत जो कि अभी भी यूक्रेन में है, लेकिन वह सुरक्षित है। परिवार से चर्चा भी लगातार हो रही है, जैसे ही यातायात बहाल होगा सचिन को भी सुरक्षित भारत लाया जा सकेगा। वो 6 साल के लिए गया और 13 मार्च 2021 को गया था। आखिरी बार कब आपसे चर्चा हुई थी? कल शाम को 9 बजे चर्चा हुई थी। क्या बताया यहाँ का हालात के बारे में? उसने बताया कि यहाँ का हालात बहुत गंभीर है और हमको भी यहाँ कॉलेज प्रशासन ने सिर्फ कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ अंदर रखने के लिए रहने के लिए बोला है, बाहर घूमने फिरने के लिए मनाई की है। जनप्रतिनिधि जो स्थानीय प्रशासन द्वारा आपसे कोई मदद? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है। आप मुलाकात करने के लिए गए थे स्थानीय सांसद और उनसे? नहीं गए थे। क्या लगता है आपका प्रशासन साहब किस तरीके की मांग करते हैं सरकार से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित अपने इंडिया वापस आ जाए, ये गुजारिश करता हूँ। मेरे और मेरे परिवार से भी बड़ा दुखी हो रहा है और वो भी वहाँ पर बहुत परेशान हो रहा है कि मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ पर यहाँ से ले जाने की व्यवस्था से